आप सभी को राधे राधे। मैं अनूप सिंह आपको लेकर आया हूँ शबरी एनक्लेव, जो कि केसी पैलेस के बगल से ब्रज द्वारका वाला रोड है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सामने से आपको वॉस्टन पब्लिक स्कूल, जो कि आपका यहाँ से भी आप आ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइम लोकेशन भी है। यहाँ पर मेन गेट रहेगा शबरी एनक्लेव का, जहाँ से हम जाते हैं सीधा कॉलोनी के लिए। मेरे साथ बने रहिए, आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर 102 वर्ग गज में सेमी डुप्लेक्स है, जो कि आपका तैयार हो चुका है, सैंपल भी बन चुका है। और गाइस दूसरा बन रहा है यहाँ पर 118 वर्ग गज में 3 BHK, जो कि आपका सेमी डुप्लेक्स ये भी रहेगा। अगर आप छोटा हाउस चाहते हैं तो लगभग आपको 90 गज में भी 3 BHK आपको यहां डुप्लेक्स फुली जो अवेलेबल हो जाता है। ईस्ट एंड वेस्ट में यहां पर हमने प्लॉटिंग भी की है, जो कि आपको प्लॉट भी अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे वेस्ट फेसिंग में यहां पर 102 वर्ग गज में डुप्लेक्स जो कि तैयार हो चुका है, जो कि सेमी डुप्लेक्स है। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं 25 फुट का रोड है, टोरेंट कनेक्शन है, सीवर कनेक्टिविटी, सिंगल गेटेड कॉलोनी है। तो गाइज पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए गाइज आपको दिखाते हैं यहाँ पर 102 वर्ग गज में सेमी डुप्लेक्स जो बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं कार पार्किंग का काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, कोई भी कार यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं। जस्ट इसके बगल में आपको मिल जाता है ड्राइंग रूम, यहाँ से 2 एंट्रेंस मिल जाते हैं कार पार्किंग, एंड यहाँ से भी आपको एक एंट्रेंस मिल जाता है जाने के लिए घर में, जो कि आपका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, देख सकते हैं। और एक बार विजिट करेंगे तो चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ ड्राइंग रूम को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से एंट्रेंस जब जाएंगे तो आपको मिल जाता है लॉबी के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस, सामने किचन, बेडरूम और यहाँ पर स्टेयर्स जो कि अंदर से दी हुई है। और जस्ट बगल में आपको मिल जाता है, जो कि मैंने दिखाया था आपको पहले भी, कार पार्किंग के स्पेस। यहाँ से भी एंट्रेंस मिल जाता है आपको बहुत ही अच्छा, मतलब 102 वर्ग गज में काफ़ी अच्छा डुप्लेक्स आपको मिल जाता है, जो कि सेमी डुप्लेक्स है। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आपको सामने ही किचन मिल जाती है, काफ़ी अच्छी किचन बनी हुई है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चिमनी भी लगी हुई मिल रही है और काफ़ी बड़ी किचन मिल जाती है। और किचन में से ही आपको वॉशिंग एरिया में जाने के लिए मिल जाता है, जो कि ऊपर देख सकते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए जाल भी लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। एक बार विजिट करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में भी आएंगी। तो गाइस यहाँ पर आपको बेडरूम मिल जाता है, जो कि आपका देख सकते हैं साइज़ की बात करें तो 10x14 का बेडरूम मिल जाता है, और वो भी अटैच टॉयलेट के साथ में, जो कि वेस्टर्न सीट के साथ में आपको मिल जाता है। पूरा वीडियो देखिए और अब मैं आपको बेडरूम दिखा देता हूँ और टॉयलेट भी दिखा देता हूँ अंदर से। तो गाइस यहाँ पर अटैच टॉयलेट मिल जाता है और सीट आपको वेस्टर्न मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी स्पेसियस यहाँ पर आपको बाथरूम मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। आपको पूरा वीडियो मैं घुमाकर दिखा देता हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से 2 गेट दिए हुए, एक बेडरूम का है, एक छत पे जाने के लिए। ये आपको आधी छत खुली मिल जाती है और ये लॉबी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार पूरा वीडियो दिखा देता हूँ घुमाकर।
तो गाइस यहाँ पर अब आपको बेडरूम मिल जाता है, जैसे अटैच टॉयलेट और यहाँ पे बालकनी भी मिल जाती है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेडरूम आपको है क्या बालकनी पर मिल जाता है, जो कि अटैच टॉयलेट के साथ में दिया हुआ है। तो गाइस एक बार विजिट करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से और आपको समझ में आएंगी। तो हम आपको एक बार बालकनी दिखा देते हैं। यहाँ पर टफन ग्लास में आपको रेलिंग मिल जाती है, काफ़ी अच्छा स्पेसिव देखिए दिख रहा है यहाँ पर। और देखिए सामने आपको 25 फुट का रोड देखेगा, जस्ट सामने 118 वर्ग गज में सेमी डुप्लेक्स बन रहा है, तो वो देख रहे हैं आपके सामने। और जस्ट इंट्रेंस जो है आपको देखिए उधर से आप यहाँ आ सकते हैं, जस्ट मैं एक बार दिखा देता हूँ, इस साइड से आप आने का इंट्रेंस रहेगा। और देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और एक बार मैं आपको अंदर से जो सेमी डुप्लेक्स है तो आधी छत खुली हुई भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधी छत आपको खुली मिल जाती है और क्रॉस वेंटिलेशन के जाल जैसे मैंने दिखाया था आपको किचन के बगल से जो रास्ता दिया हुआ था, तो आप यहाँ से आ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा देखिए आधी छत जो खुली हुई है, ऊपर जाने के लिए लोहे की सीढ़ी दी हुई है, आप ऊपर जा सकते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा हाउस मैंने पूरा विजिट कराया, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएँ।